मामी ने खुद बोल दिया था, छोड़ दो वाइल्ड कार्ड में देख लेंगे। Congratulations to Jeev for chopping the town. Achha se BGIS, thank you so much. The team really worked hard for this. मैं literally उनका chat देख रहा था mid game and एक point पे तो honestly मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो शायद admit नहीं करेगा stream पे आके, but एक point पे तो मावी ने खुद बोल दिया था छोड़ दो wild card में देख लेंगे and then their motivation changed and हमने भी थोड़ा मोटिवेट किया, उन्होंने भी आपस में बात की एंड देयर मोटिवेशन चेंज एंड दिस वाज बिफोर सैनोक, फिर सैनोक का चिकन आया, देन वी डिड रियली वेल इन द फोर्थ एंड फिफ्थ मैप एंड देन फिनाले तो ऑलरेडी जब टॉप पे थे तभी भी डिसाइड किया कि विक्ट्री सिर्फ नहीं चाहिए, डोमिनेशन चाहिए एंड तब जाके रियली अभी बट मैंने प्लेयर्स को भी ये बोला है, आप लोग को भी बोल रहा हूँ, वी कांट सेलिब्रेट टू सून बिकॉज वी जस्ट क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स, लैन क्वालिफाई होना बाकी और फिर लैन जीता, बीजेएस जीत जाएंगे, आई विल डू ऑल द सेलिब्रेशन इन द वर्ल्ड विद देम। व्हाट हैपेंड टू सोल, दे डिडंट क्वालिफाई, नो दे विल बी प्लेइंग इन द लोअर ब्रैकेट विद एवरीवन एल्स, बट स्टिल 10 सेकंड्स सो 64 टीम्स आर प्लेइंग वाइल्ड कार्ड, 16 टीम्स फ्रॉम देयर विल गो फॉरवर्ड। It looks solid. Do you think wild card is going to be tough for Sol and Godlike? Wild card is going to be tough for any team. From 64, only 16 will qualify. Already, it's getting harder every round. Towards mid-bottom. I mean, he end में तो final 16 में जीत रहा ही है तो. They have no idea. वो ही सोच के हर round खेलना पड़ता है. That's what we did. We are treating each round as a finals. And obviously, his position.